10 बॉलीवुड एक्ट्रेस हु आर एनिमी फॉर एवर, अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण। अनुष्का ने बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमाया है। उनकी इंडस्ट्री में डेब्यू शाहरुख खान के साथ हुआ था। रणवीर सिंह की पहली मूवी बैंड बाजा बारात थी और इसी मूवी की शूटिंग पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। कुछ महीने डेट करने के बाद रणवीर को दीपिका पसंद आ गई और उन्होंने अनुष्का को छोड़ दिया। इसी कारण अनुष्का और दीपिका के बीच हमेशा इशू रहे। दोनों ने कॉफी विद करण पे एक दूसरे के लिए मीन बातें भी बोली। नंबर 2, प्रियंका एंड करीना कपूर। पहले दोनों अच्छी दोस्त हुआ करती थी, फिर शाहिद कपूर की वजह से दोनों के बीच इशू हो गए। कॉफी विद करण पे करीना ने प्रियंका के एक्सेंट को लेकर सार्केस्टिक कमेंट किया था कि पता नहीं वो कहाँ से अपने एक्सेंट लाई है। इसका जवाब प्रियंका ने यह कह के दिया, वो अपना एक्सेंट वहीं से लाई है जहाँ से करीना के बॉयफ्रेंड अपना एक्सेंट लाए हैं। नंबर 3, सोनम कपूर एंड ऐश्वर्या। सोनम को उनके फैशन सेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐश्वर्या को आंटी बोल दिया था। ऐश्वर्या को ये बात बिल्कुल बुरी लगी और तभी से दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 4, शिल्पा शेट्टी एंड रवीना टंडन। दोनों ही बॉलीवुड ब्यूटीज़ का अक्षय कुमार के साथ रिलेशनशिप अफेयर रहा है और वही वजह है दोनों के कैट फाइट की। नंबर 5, कैटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण। कैटरीना और दीपिका दोनों ही बॉलीवुड का बड़ा नाम है। रणवीर ने दीपिका पे चीट किया था। माना जाता है कि वो चीट रणवीर ने कैट के ही साथ अजब प्रेम की गजब कहानी के शूटिंग के टाइम पे किया था। तभी से दोनों एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट चल रही है। नंबर 6, बिपाशा बासु एंड करीना कपूर। करीना ने बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ बहुत सारी अच्छी फिल्में की हैं। बिपाशा और करीना कपूर के बीच अजनबी मूवी की शूटिंग करते वक्त कैट फाइट हो गई और वो कभी ख़त्म नहीं हुई। नंबर 7, माधुरी एंड श्रीदेवी। माधुरी दीक्षित जितनी अच्छी एक्टर है उतनी ही बेहतरीन डांसर भी है। 80s की टॉप एक्ट्रेसेस में एक थी और उस समय श्रीदेवी भी काफ़ी चर्चे में थी। दोनों को ही डांस का बहुत शौक था और दोनों ने ही एक से एक बढ़ के फिल्में की है। कोई कमी नहीं छोड़ी दोनों ने बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस बनने में और इसी कंपटीशन के चलते दोनों के बीच जेलसी ने घर ले लिया। अगर आपने अभी तक सेलिब्रिटी स्कैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 8, कंगना रनावत एंड दीपिका। कंगना की बॉलीवुड में एक बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है। वो बहुत फ्रैंक है और जो मन में आता है सीधा बोल देती है। उनकी सबसे बड़ी राइवल बॉलीवुड में है दीपिका पादुकोण। कंगना ने मीडिया के सामने दीपिका को काफ़ी बार खड़ी खोटी सुनाई है और उनकी जेलिसी के बारे में भी ओपनली कहा है। नंबर 9, आलिया भट्ट एंड श्रद्धा कपूर। आलिया ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत बहुत जल्दी कर ली थी, तब वो 17 साल की ही थी। उनकी सबसे बड़ी कंपटीशन थी श्रद्धा कपूर। दोनों बहुत ही शानदार एक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे हिट फिल्मों में ऑडिशन दिया है। कंपटीशन के चलते दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो पाई। नंबर 10, रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा। रानी मुखर्जी एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। उन्होंने काफ़ी सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया है और उन दिनों प्रीति जिंटा थी उनकी सबसे बड़ी राइवल। दोनों ही एक्ट्रेस एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में कर रही थी और एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती थी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेलिब्रिटी स्कैन को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे और चटपटी ताज़ा खबरों के साथ।